हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम क्रिस्पी खस्ते की रेसिपी। आपने शक्करपारे कई बार बनाए होंगे घर पे, आप एक बार ये खस्ता बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। काफी टाइम तक आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं एक दिन बनाने पर, और ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है। या फिर अगर आपको हल्की भूख लगी तब स्नैक्स में आप ये खा सकते हैं, बहुत फटाफट बनते। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 1 कप मैदा। मैदे के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी डालने से ये क्रिस्पी बनते हैं, इसीलिए सूजी का यूज जरूर करिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ये आधा कप लिया है। 1 बड़ा चम्मच जाएगा भुना हुआ तिल, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। 1 चम्मच नारियल का बुरादा, और इसके बाद थोड़ा सा जाएगा नमक 2 से 3 पिंच, ये बैलेंस करेगा टेस्ट को। और इसके बाद 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें घी वगैरह नहीं डालना है, केवल आपको रिफाइंड ऑयल का यूज करना है। अगर आपका जो मोयन है वो ज्यादा हो गया तब ये सेंकते टाइम फटेंगे, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप खस्ता वगैरह बनाए तब आपको इसमें ऑयल का बहुत कम यूज करना है, तब एकदम परफेक्ट ये सिकेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अब इसमें हम दूध डालेंगे और इसे अच्छे से एक डो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो दूध है वो हमें नॉर्मल लेना है, यानी गर्म दूध नहीं होना चाहिए। अगर गर्म दूध हुआ तब चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और मिक्स हमारा जो डो है वो गीला हो जाएगा, इसीलिए इस बात का आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल दूध लें, ना ही ज्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज्यादा गर्म। और हल्के हाथ से इसका हमने डो बना लिया है, ये देखिए एकदम मीडियम डो लगाइएगा। इसे हमें रखना है नहीं है, तुरंत ही इसके खस्ते बनाने हैं। तो यहाँ पे ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये देखिए। अब मैं एक ही डो का आपको खस्ता बना के दिखाती हूँ। तो करना क्या है आपको, पहले से आप एकदम अच्छे से घुमा के चिकना कर लें। इसके बाद आपको हल्का सा यहाँ पे मैदा स्प्रिंकल करना है। अब इसे हम इस तरीके से फ्लैट करेंगे और इसे बिल्कुल हम जैसे पराठे वगैरह बेलते हैं या फिर कचौड़ी के लिए रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें मीडियम थिकनेस का इसे बेल लेना है। आपको जितने मोटे खस्ते चाहिए उस हिसाब से आप ये बेल सकते हैं। मैं इसे मीडियम थिक कर रही हूँ जिससे कि ये कच्चे भी नहीं रहेंगे और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। अगर आप ये पतला कर देंगे तब जो खस्ते वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अगर आपको ये एकदम खस्ता चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, तब आप मीडियम इसे बेलें, ये देखिए इस तरह से। अब इसकी हम करते हैं कटिंग। कटिंग के लिए आप कोई भी इसे शेप दे सकते हैं, मैं इसे ग्लास से कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कुकी कटर से या फिर छोटे साइज के ग्लास से भी इसे कट कर सकते हैं, शेप देना आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसे इस तरह से कट कर लेंगे और ये इसी तरह से सारे खस्ते बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से हमने गर्म कर लिया था। एक हम छोटा सा ये डो डाल के देख लेंगे। तो ये देखिए बबल्स आने लगे, यानी कि हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है। ये खस्ते डाल देंगे, पहले इन्हें हम टच कट नहीं करना है, केवल इन्हें आप डाल दें, फ्लेम को मीडियम लो रखें और इन्हें अपने आप अच्छे से सेट हो जाने दें। जब ये सेट हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये सेट हो गए हैं अच्छे से। अगर आप पहले से ही पलटेंगे तब ये टूट सकते हैं, इसीलिए आप इस बात का ध्यान दें। और अभी इन्हें अच्छे से घुमाकर हमें सेक लेना है। एक बैच को सेकने में करीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, इन्हें अच्छे से पलट के सेकने देना है। तो इसे पलटना शुरू करेंगे और एकदम बढ़िया से हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर का चेंज होने तक सेक लेना है। और ये देखिए आप, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कचौरी जैसे ये फूल रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। अगर ये फूल गए बनाते टाइम, इसका मतलब आपके जो खस्ते हैं वो एकदम परफेक्ट खस्ता बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। जैसे कि ये देखिए मेरे खस्ते एकदम बढ़िया से ऊपर आ गए, यानी कि ये एकदम बढ़िया रहेंगे, स्टोरेबल है, काफी टाइम तक अपने रख सकते हैं। अभी निकाल लेते हैं और अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे खस्ते बन के तैयार है, बनाने में बहुत आसान है और ये देखिए एकदम फूले हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर से एकदम बढ़िया सिक गए हैं और एकदम खस्ता बने, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आप ये एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। आप इन्हें करीबन 15 से 20 दिन तक आराम से रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होंगे। तो आप एक बार ये बना के जरूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।